ईंट उद्योग में आज असीम संभावनाएं हैं। भारत के कई स्थानों में आज ईंट उद्यम में एक नई तकनीक प्रयोग में लाई जा रही है, जिसे हाईड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। हाईड्राफ्ट भट्ठे पारंपरिक भट्टों के मुकाबले ज्यादा लाभकारी एवं सुविधाजनक हैं। हाईड्राफ्ट तकनीक के कारण जहां एक तरफ श्रमिकों पर निर्भरता कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन की गुणवत्ता एवं आमदनी में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास पहले नेचुरल ड्राफ्ट था, हमने हाईड्राफ्ट में कन्वर्ट किया। कितनी लागत आई? कन्वर्ट करने में हमारे 10 से 12 लाख लगते, जिसमें से 5-6 लाख लेबर में लगते हैं जी। बाकी ये इंजन आता है, मोटर आती है, आईडी फैन आता है और फीड बॉट वगैरह और भट्ठे की जो मशीनरी है, कोल क्रशर है, वो सब लगा के 10 से 12 लाख। सरकार की प्रदूषण रहित उद्योग नीति को ध्यान में रखते हुए ये तकनीक प्रदूषण के रोकथाम में भी अत्यंत सहायक है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ईंट उद्योग के लिए बेहद लाभप्रद साबित हो सकती है। जो इसकी ईंट पहले ज्यादा मतलब के हमारे को दो नंबर डेढ़ नंबर मिलती थी, उसको भी हमने कवर किया है। जैसे पहले 75% मिलती थी, अब हमारे को 90% मतलब के एक नंबर माल मिल रहा है। तो पर टन नेचुरल ड्राफ्ट से हाईड्राफ्ट में कितना पैसा बचता है कोयले के तौर पे? पर टन के हिसाब से, पर टन के हिसाब से जैसे उसका रेट हमारा पड़ता है 10 से 11 हजार, ये पड़ जाएगा 8 से 9 हजार, करीब 2 से 3 हजार रुपए पर टन बचा सकते हैं। कोल क्रशर में इस्तेमाल होने वाला आइशर इंजन एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही इसमें डीजल की खपत का स्तर अन्य इंजन्स के मुकाबले 15 से 20% तक कम होना पाया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि डीजल की ये बचत ईंट उद्यमी का लाभ कई गुना बढ़ा देती है। जहां पारंपरिक भट्टे ईंट पकाई के लिए पूरी तरह चिमनी पर निर्भर थे, वहीं अब हवा के सक्शन के लिए आईडी फैन का प्रयोग किया जा रहा है। आईडी फैन के इस्तेमाल से जहां ईंधन का 100% तक उपयोग हो जाता है, वहीं आईडी फैन की इस पद्धति से न केवल ईंटों की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि उच्च श्रेणी की ईंटों का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। जहां पहले लगभग 60 से 65% उच्च कोटि की ईंटें बनती थीं, वहीं अब हाई ड्राफ्ट में यह बढ़कर 80 से 85% तक हो गई है। सर ये जो है ये हाई ड्राफ्ट भट्ठे की ईंट है, इसमें और नेचुरल ड्राफ्ट में सर बहुत फर्क है। इसकी जो क्वालिटी है हाई ड्राफ्ट करने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। हाई ड्राफ्ट तकनीक में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली में ब्लोअर का प्रयोग होता है, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंजन का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 15 साल तो भट्ठे का काम कर रहे हैं, तो जो मतलब ये नया काम कर रहे हैं जो हाई ड्राफ्ट कहते हैं हम, ये हम मतलब के अभी स्टार्ट किया है ये, और जो इसका जो बेनिफिट है वो कच्चे भट्ठे से इसके बेहतर रिजल्ट है। इसकी जो मतलब के खिंचाई है वो चिमनी के जरिए नहीं होती, इंजन के जरिए होती है। क्योंकि इस तकनीक का पूर्ण लाभ अर्जित करने के लिए इसमें उपयोग होने वाले इंजन सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो जितने शक्तिशाली, सुविधाजनक व किफायती होंगे, आपका हाई ड्राफ्ट भट्टा उतना ही लाभकारी होगा। जैसे हम चिमनी के भरोसे, कहीं निकासी पिछड़ गई, कहीं पकाई में दिक्कत हो रही, हाई ड्राफ्ट में एक परमानेंट ऑक्सीजन पीछे से मिलता जाता है, वो खींचता है जी। नहीं तो चिमनी के भरोसे है, चिमनी ने खींच कम की, ज़्यादा की, नहीं की, वो आग के टेम्परेचर के ऊपर चलती है, कहीं भसान हो गई, कोई बात हो गई तो आग खड़ी हो जाती है। इसमें ये आग को आगे करेगा जी। जो हम कोयला वगैरह डालते थे वो चिमनी तोड़ जाती थी, जैसे जलाती कम थी, ये पंखे ने अपनी स्पीड के हिसाब से जला देती है, वो उसकी मतलब के जो वेस्टेज थी कोड़े की उसकी कम होती है। मैक्सिमम लोग पसंद ही सिर्फ ये हाई ड्राफ्ट की ईंट करते हैं। इसका रीजन कह सकते हो, इसकी सफाई, एक इसकी पक्की ईंट, जितनी ज़्यादा पक्की ईंट होगी उतनी ज़्यादा सर हमारी सेल होगी। तो हाई ड्राफ्ट की जो ईंट होती है वो बहुत ज़्यादा पक्की होती है, इसलिए हमारे को सेल करने के अंदर आगे कोई इश्यूज नहीं आते कि भी सेल कम हो। आईडी फैन का संचालन 24/7 सुनिश्चित करने के लिए इसमें 2 एयर कूल्ड आइशर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आइशर इंजन के 222 मॉडल का प्रयोग होता है।
आयशर इंजन भरोसेमंद होने के साथ साथ ईंधन किफायती भी है। एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी से लैस इस इंजन को 12 घंटे तक निरंतर चलाया जा सकता है। साथ ही बार बार पानी चेक करने की भी समस्या नहीं रहती, जिससे आपका भट्टा सुचारू रूप से कार्य करता है। पकड़ें तरक्की का हाथ आयशर इंजन के साथ।